अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ YouTube के हवाले से। एक बहुत ही न्यू जो इनकी अपडेट आई है, क्योंकि मैंने अभी अपना एक न्यू चैनल क्रिएट किया YouTube पे, एंड इसके अंदर मुझे एक चीज़ फेस करनी पड़ी, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आपको अभी 2020 में अगर आप लोग कोई न्यू चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको कैसे उसको वेरीफाई करना है। और आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि उसके अंदर एक और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, वो कंप्लीट चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि ये मैं सेटिंग्स कर रहा था तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, शायद आपको भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हूँ तो आप के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सब चीज़ को स्टडी कर लिया, सारी चीज़ों को प्रॉपरली। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सारी चीज़ें क्या क्या मुझे यहाँ पे फेस करनी पड़ी। सिंपली जैसे ही मैंने चैनल क्रिएट किया तो उस तरह से आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि गेट हेल्प, और उस तरह से मैंने सब चीज़ों को यहाँ पे कैंसिल कर दिया ताकि मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ों को दोबारा से प्रॉपरली कर सकता। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपली मैं YouTube को खोल लेता हूँ। ये मैं प्राइवेट टिप पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं एक चैनल क्रिएट किया है, बहुत ही बिल्कुल न्यू चैनल है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसके अंदर कोई भी मैंने चेंजेस नहीं किया। ठीक है, ये देखें आप लोग अभी तक यहाँ पे ये चीज़ें शो कर रहे हैं कि इस तरह से आपका ये होगा, मतलब बिल्कुल न्यू जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इस तरह से चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अब सिंपली सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है चैनल की सेटिंग करने के लिए। अगर आपने चैनल नहीं बनाया, सिर्फ जीमेल आईडी यहाँ पे आपकी लॉगिन है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट चैनल, आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपसे सिर्फ नेम पूछते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपने चैनल का नेम डालना होता है और आपका चैनल बिल्कुल इसी तरह से क्रिएट हो जाता है, आपको कोई भी जो है एडवांस चीज़ें नहीं करनी पड़ती। अब यार एक मिनट से मिस्टेक होगी, मैंने चैनल क्रिएट करना आपको नहीं बताया, वरना आपको वो भी कंप्लीट बता देता। अब दोस्तों आपने सबसे पहला जो सेटिंग में काम करना होता है, आपने सिंपली यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे YouTube के स्टूडियो, अब इन्होंने जो यहाँ पे अपडेट डाली है YouTube के स्टूडियो, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े का यहाँ पे लेआउट इनका आ गया, बहुत ही खूबसूरत है मुझे लग रहा है इनका स्टूडियो। अब यहाँ पे आप लोग दोस्तों देखो, यहाँ पे कुछ आप लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं, अभी इनको नहीं छेड़ते फिलहाल, स्टूडियो पे आते हैं डायरेक्ट। और स्टूडियो पे आने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करना है। पहले यहाँ पे एक ऑप्शन होता था वीडियोस, अब यहाँ पे पता नहीं इन्होंने क्या सीन किया, यहाँ पे कंटेंट आ गया, बट मेरा जो अभी करंटली चैनल है उसमें यहाँ पे वीडियोस है, बट मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया, यहाँ पे कंटेंट क्यों आ रहा है आई डोंट नो, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जब आप न्यू चैनल क्रिएट करते हैं, मोनेटाइजेशन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। अब यहाँ पे मेरा क्यों इस तरह से सही आ रहा है, हालांकि मैंने भी बिल्कुल न्यू क्रिएट किया, यहाँ पे यार मैंने एक सेटिंग कर दी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया। आपने सिंपली यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना होगा, आप परेशान नहीं हो जाएगा कि यार क्यों मैं मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल नहीं हूँ, शायद मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके बाद भी हो जाए, लेकिन आप वीडियो जितनी भी अपलोड करते रहेंगे ना तो आपकी वीडियो पब्लिक में शो होने वाली और ना ही आप मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल हो पाएगी आपकी। ठीक है, आपने सिंपली इस सेटिंग को ऐसे करने के लिए, मतलब यहाँ पे अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके वॉच टाइम हावर्स भी कंप्लीट हो और क्या कहते हैं आपके सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो, उसके लिए आपने सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है चैनल का। ठीक है, चैनल पे क्लिक करके आप अपनी कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले कर ली थी, वरना यहाँ पे आपकी कंट्री सेलेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर फ्रंट पे होकर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्टेड होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि सेलेक्ट योर कंट्री एंड इस तरह से फ्रेंड जो भी लिखा होगा आपने उसको सिंपली छोड़ देना है। आपने यहाँ पे आके आपकी जो भी कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेने, मेरी सिंपली पाकिस्तान कंट्री है, मैं सिंपली पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर आप अपने चैनल का नाम बाद में चेंज करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पे आप लोगों को देखें नेम मिल रहा है, टू एडिट चैनल नेम विजिट अवर वेब विजिट योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो यहाँ पे आपके सामने एक टेब लोड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप अपने यहाँ पे क्लिक करके आप अपने चैनल का नाम अगेन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोबारा से अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, बट मुझे चेंज नहीं करना, ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस तरह से नेम भी चेंज कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे आपको कीवर्ड्स डालने होते हैं, आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद एडवांस सेटिंग, और यहाँ पे फ्यूचर एलिजिबिलिटी आ जाती है। अगर आपको पहले अपने चैनल को वेरीफाई, अब आपको मैं बता दूँ वेरीफाई करने की जरूरत है, अगर आप अपने चैनल को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी कोई भी वीडियो पब्लिक में शो नहीं होती है। ठीक है, और अगर आपको मोनेटाइजेशन इनेबल करवानी है, सारी चीज़ें करने के लिए आपको सिंपली अपने चैनल को वेरीफाई करना बहुत जरूरी होती है। अब यहाँ पे आप लोग देखें फ्यूचर्स दैट रिक्वायर फोन वेरीफिकेशन, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप लोग देखें वीडियोज लॉन्गर देन 15 मिनट्स, आपकी जो वीडियोज होंगी वो 15 मिनट्स से अगर बड़ी होगी तो वो यहाँ पे जो है अपलोड मतलब अपलोड नहीं होगी, कस्टम थंबनेल्स आपके नहीं यूज हो पाएंगे, आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है आप वो नहीं कर पाएंगे अपने चैनल पे, और अपीलिंग कंटेंट आईडी क्लेम्स। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजें, ये आप अगर आपका फोन नंबर वेरीफाई नहीं है तो आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपका फोन नंबर वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। अब ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मीट टू एक्सेस दीज फीचर्स, डिफॉल्ट फीचर इनेबल्ड, ठीक है, एंड वेरीफाई फोन नंबर। ठीक है, आपने सिंपली यहां पे क्लिक करना होगा, बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं।
क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने क्रिएट किया, ठीक है, 2020 में, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज लगी यूट्यूब में, तो मैंने कहा कि आपसे शेयर कर देता हूँ, हो सकता है कि आपको भी इन चीज़ों का पता ना हो। ठीक है, आपने सिंपली टेक्स्ट मी वेरिफिकेशन कोड, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे पहले जो प्रोसेस था मतलब वो इस तरह का नहीं था, क्योंकि उनका स्टूडियो चेंज था, उनका डैशबोर्ड चेंज था, तो आपको कम्प्लीटली बहुत ही ईजी वहाँ पर मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको शायद डिफिकल्ट लगे, तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूँ। अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, ये जगह शायद थोड़ी सी यहाँ पे ब्लर आ रही होगी, यहाँ पे मैंने फोन नंबर लिख लिया और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से अकाउंट वेरिफिकेशन करके ये जो पेज है लोड होने लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको कह रहा है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेप 2 of 2, ठीक है, अ मैसेज विद द वेरिफिकेशन कोड हैज सेंड टू, और यहाँ मेरा नंबर लिखा हुआ है, प्लीज एंटर योर 6-digit वेरिफिकेशन कोड बिलो, इफ यू डोंट गेट द टेक्स्ट मैसेज ट्राई गोइंग बैक एंड सेलेक्टिंग द कॉल me with an automated voice message option instead, enter your 6-digit verification code। अब ये कह रहे हैं कि हमने जो आपका फोन नंबर है उसके ऊपर हमने जो है एक कोड भेजा है 6-digit का, वो आप यहाँ पे टाइप करो, उसके बाद जो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। मैं जल्द से वो कोड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने अपना कोड यहाँ पे टाइप कर लिया और उसके बाद आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने कांग्रेचुलेशन, योर यूट्यूब अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड, आपका यूट्यूब अकाउंट जो है वो अब फाइनली वेरीफाइड हो चुका है, आप अब इसके अंदर कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं एंड विदाउट गेटिंग एनी टेंशन आप कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लॉन्गर देन 15 मिनट्स हो, आप जितनी भी वीडियोज अपलोड करना चाहें ना आप कर सकते हैं, बट एक रिक्वायरमेंट रहती है यूट्यूब की कि अगर कॉपीराइट मटेरियल है तो वो यहाँ पे आप अप्रूव नहीं कर सकते। अब आपको एक और सेटिंग्स बता दूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बनानी थी, सो मैं शायद बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे पहले आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे एलिजिबल लिखा हुआ था या कुछ और लिखा हुआ था, बट यहाँ पे अभी यहाँ पे भी इनेबल आ गया, यहाँ पे भी इनेबल आ गया, ठीक है। वेरीफाई फोन नंबर में हमारा फोन नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफॉल्ट फीचर्स में यहाँ पे सारे फीचर्स पहले भी इनेबल थे, वीडियो अपलोड आप कर सकते थे, प्ले लिस्ट क्रिएट कर सकते थे, एड कोलेबोरेटर्स टू प्ले लिस्ट भी कर सकते हैं, एड न्यू वीडियोज टू एक्साइटिंग प्ले लिस्ट, ये सब आप कर सकते थे पहले भी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेटिंग हमने कर ली, उसके बाद नीचे एक सेटिंग आती है अपलोड डिफॉल्ट्स, ठीक है। अपलोड डिफॉल्ट्स में क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप कोई टाइटल दे देंगे तो जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो डिफॉल्ट में वो टाइटल यहाँ पे शो होता रहेगा, बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी किसी को एक ही टॉपिक की वीडियो जैसे हाउ टू अर्न मनी, तो अर्न मनी तो उसमें लाजमी आता है, तो हाउ टू अर्न मनी आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है, यहाँ पे आप हाउ टू अर्न मनी लिख के रख दें, बाकी जैसे आप दूसरी वीडियो अपलोड कर रहे होंगे उसका जो मतलब एडवांस जो टाइटल होगा वो आप उसको आगे दे दीजिएगा, बाकी आपको ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में होता है अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन एड करनी है तो वो यहाँ पे आप करके रख दें हमेशा के लिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन वो तो होगी होगी, और भी आप जो ऐड करना चाहेंगे वो हो सकते हैं, अगर आप उसको मिटाना चाहते हैं तो वो आप मिटा भी सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे फीचर आते हैं विजिबिलिटी, तो आप यहाँ पे अगर इसको पब्लिक करेंगे तो हमेशा आपकी वीडियो पब्लिक में ही मतलब हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पब्लिक सेलेक्टेड रहेगा। अगर आप मतलब मैं यहाँ पे पब्लिक ही ज़्यादातर मैं आपको पब्लिक नहीं करूँगा सजेस्ट, मैं आपको अनलिस्टेड करूँगा, क्योंकि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं आप उसको अनलिस्टेड रखा करें, बाद में आप उसको एक बार प्ले करके खुद देख लिया करें, अगर बिल्कुल आपको परफेक्ट लगती है वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है तो आप उसको बाद में पब्लिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ टैग्स ऐड करके रख सकते हैं, मतलब वीडियो के अंदर वो टैग्स रहें और बाकी जो भी मैं ऐड करना चाहूँ वो कर दूँ, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। एडवांस एडवांस में आपको क्या ऑप्शन मिलते हैं, लाइसेंस स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि आपकी वीडियो के अंदर आप अगर आप लोग कॉपीराइट रखना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी वीडियो यूज करेगा तो आपके पास मेल आ जाएगा, फिर इस तरह की कोई भी चीज आ जाएगी, तो इससे आपको पता चलेगा आपकी वीडियो ये बंदा यूज कर रहा है, आप उसके बाद उसके पास स्ट्राइक भेज सकते हैं। एंड आई थिंक ये ऑप्शन जो जब अवेलेबल होता है, मतलब ये ऑप्शन जब आपके पास काम करता है, आई थिंक के 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही ये ऑप्शन आपके पास काम करता है। उसके बाद अगर वीडियो लैंग्वेज आप यहाँ पे कोई भी वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे चैनल में अभी तो कोई भी सेलेक्ट नहीं है। कॉमन विजिबिलिटी होल्ड पोटेंशियली आप इसको यहाँ पे ऑल आप इसको यहाँ पे ऑल कमेंट्स पे रख दीजिए, ताकि जो है मतलब सारे कमेंट्स आपको रिसीव होते रहे, कोई भी यहाँ पे कमेंट यूट्यूब की तरफ से ब्लॉक ना हो जाए, बाद में आपको देख लीजिएगा जो आपको पसंद है आप यहाँ पे उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैसे यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्टेड होता है, बट आपकी जो भी मर्जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अलाउ ऑल कमेंट्स को सिलेक्ट रखिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है परमिशंस का, यहाँ पे जैसे आप परमिशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है, कीप मैनेजिंग परमिशंस इन योर ब्रांड अकाउंट, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, क्योंकि इसके हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कम्युनिटी पे, तो यहाँ पे बहुत ही मजेदार चीजें आपको मिल जाती है। हिडन यूजर्स का मतलब होता है
कि आप कोई ऐसे यूजर यूट्यूब पे मतलब जिस उसका मतलब अकाउंट है, आप उसका यहाँ पे नाम लिख दें, ठीक है, तो वो जो यूजर है वो आपके चैनल के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वो आपके चैनल की वीडियोस को नहीं देख पाएगा। तो ये बहुत मजे का फीचर यूट्यूब का। और ये ब्लॉक्ड वर्ड्स, मतलब आप यहाँ पे कोई भी आपको कोई लगता है कि आपके कमेंट में कोई गालियाँ लिखते हैं, आप वो गाली यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अब कमेंट में जो भी बंदा वो कमेंट लिखेगा ना, मतलब उस गाली को अगर यूज करता है या कुछ भी ऐसे मतलब फजूल चीज लिखता है आपकी मतलब कमेंट में, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अगर कोई भी आपके कमेंट में इस तरह की कोई चीज लिखेगा तो वो शो ही नहीं होगा, यूट्यूब उसको ऑटोमेटिकली वहां पे बैन कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। उसके बाद ऐसे डिफॉल्ट और यहाँ पे अलाउ ऑल कमेंट्स मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। कमेंट्स ऑन योर डिस्कशन टेप यहाँ पे भी सारी चीजें अलाउ है, ठीक है। एग्रीमेंट पे यहाँ पे भी आपने इसको नीचे ना दोबारा जनरल पे आ जाते हैं। यूएसडी यूएसडी डॉलर्स हमारी जो करेंसी आएगी हमें रिसीव होगी वो US डॉलर्स में होगी। और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स को हमने नहीं देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, उस टाइम सीधा फीचर एलिजिबिलिटी में आ गया था। अब यहाँ एडवांस सेटिंग्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको इस तरह से एक ऑप्शन मिलता है, यस सेट दिस चैनल फॉर मेड फॉर किड्स। आपने सिंपली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी पेमेंट आप नॉर्मल अपनी पेमेंट रखना चाहते हैं, अगर आप ऊपर वाला सेलेक्ट करके रखेंगे यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, तो आपके व्यूज भले आए या ना आए लेकिन आपकी पेमेंट नो के मतलब इस अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी इसमें जो पेमेंट है वो काफी ज्यादा कम आपको पे करेगा YouTube। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, आप इसको सेलेक्ट रखिएगा, ठीक है, ताकि आपकी सारी चीजें प्रॉपर रहती रहे। लेकिन जब आप न्यू चैनल क्रिएट करेंगे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा, बट मैंने यहाँ पे ये वाला कर लिया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपने सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये सेटिंग हमने कर ली, बहुत ही सिंपल सेटिंग थी, हमने अपना अकाउंट इनेबल कर लिया। अब आप बगैर किसी टेंशन की कोई भी वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ एडवांस सेटिंग होती है जो बतानी जरूरी होती है और आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है कंटेंट का, तो यहाँ पे आपकी वीडियोज जो भी होंगी यहाँ पे पुश होंगी, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल न्यू चैनल बनाया, मैंने कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड ही नहीं किए, तो मैं आपको किस तरह से बता सकता हूँ कि यहाँ पे वीडियो किस तरह से शो हो रही होती है। बाकी यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आप वीडियो अपलोड करें, अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर पाएंगे अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी वीडियो सेलेक्ट करेंगे अपलोड करने के लिए और उसको आप सिंपली अपलोड कर दीजिएगा जहाँ आप अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर वो पब्लिकली अपलोड हो जाएगी, मतलब पब्लिक उसको देख पाएगी, तो उसके अंदर आप प्रॉपर टेक्स्ट डाल सकेंगे, डिस्क्रिप्शन सब कुछ डाल पाएंगे। अब यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है अपने चैनल के आइकन पे व्यू चैनल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो है अपने चैनल के अंदर पहुंच जाएंगे, मतलब यूट्यूब पे आपका चैनल कुछ इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है यूट्यूब पे, इसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। कस्टमाइज चैनल पे आपने क्लिक करना है सिंपली, बहुत ही सिंपल वे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैंने कोई चैनल आर्ट नहीं बना के रखी हुई, वैसे मेरे पीसी में कोई भी चैनल आर्ट रखी हुई है, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल रहे हैं, शॉर्ट वीडियोज अपलोड्स फीचर वीडियो रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स चैनल ट्रेलर, आपने सिंपली यहाँ पे ब्रांडिंग पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे अपने चैनल का लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप अपने चैनल का खूबसूरत से लोगो बना लो, आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर एक ऐड कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला लोगो ऐड कर दिया, ठीक है। ये वैसे बहुत ही सिंपल सा लोगो है, टीपी लिखा हुआ है। अब मैं सिंपली यहाँ पे इसको मिसाल के तौर पे ऐड कर रहा हूँ, डन पे क्लिक किया, ये लोगो यहाँ पे अब ऐड हो गया, ठीक है। वैसे मुझे इसको ऐड नहीं करना है, तो सिंपली मैंने आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ पे किया था। उसके बाद आप जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स आपकी सेव हो जाएंगे। आप यहाँ पे अपने चैनल की क्या कहते हैं ये लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं चैनल का। अगर आपको बैनर बनाना नहीं आता यूट्यूब चैनल के लिए, तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने वीडियोज बनाई हुई है प्रॉपर कैसे आप यूट्यूब चैनल के लिए बैनर बना सकते हैं, कंप्लीट वीडियोज आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर ही, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख पाएंगे। तो मैंने कंप्लीट बताया हुआ कि कैसे आप यूट्यूब के लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल सा बैनर बना सकते हैं, जिससे आपकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो जाती हैं और इससे आपके काफी ज्यादा जल्दी से चैनल के ग्रो होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया और बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको कंप्लीट चीजें सिखाई हुई है। अब यहाँ पे आप लोग जो है अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल के लिए एक वीडियो वाटरमार्क। वीडियो वाटरमार्क क्या होता है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यही वही वाला लोगो यहाँ पे दोबारा से अपलोड करता हूँ, यही लोगो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, डन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो भी वीडियो चलेगी तो यहाँ पे इस तरह से शो होगा, जैसे यहाँ पे कोई बंदा अपना माउस लेके आएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सब्सक्राइब, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। आपने कई सारी वीडियोज में देखा हो यूट्यूब की, तो आपको अंदाजा होगा। आपने सिंपली इसको एंड ऑफ द वीडियो से हटा के एंटायर वीडियो पे कर देना, मैं सजेस्ट ये कर रहा हूं। अगर आप इसको यहां पर रखना चाहते हैं तो ओके नो प्रॉब्लम, बट यहां मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इंटायर वीडियो पर रखें ताकि पूरी वीडियो के अंदर ये शो होता रहे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ, रिमूव करते हैं, क्योंकि इसकी इस चैनल के लिए प्रॉपर सारी चीज़ें मैं दोबारा बनाऊंगा, तो यहाँ पे फिर मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दूंगा। और मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें बनाते हुए आपके पास मैं सारी चीज़ें बना मतलब बनाने की वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करता रहूँ, ताकि आपको सारी चीज़ों का आइडिया लगता रहेगा। अब यहाँ पे बेसिक इन्फो में एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे अपने चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप अगर जाएँ अबाउट में, किसी भी चैनल के अगर आप अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, डिटेल्स में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ,
मतलब यहाँ मैंने ये सब कुछ लिख दिया, ठीक है, मतलब कोई भी इसके अंदर मैंने मतलब काम की कोई भी चीज़ नहीं लिखी, सिंपली मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आपने सिंपली पब्लिश पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने पब्लिश पे क्लिक किया ना यहाँ से, अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया मैंने, अब यहाँ पे देखें वो जो मैंने वहाँ पे लिखा था यहाँ डिस्क्रिप्शन करके, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो आपने इस यहाँ पे जो भी लिखना है आप अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि आपके व्यूवर को पसंद आए डिस्क्रिप्शन। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो जाएगी, और आपके व्यूवर जब आपके चैनल पर आएंगे और यहाँ पे अबाउट में विजिट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपके चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपकी डिस्क्रिप्शन हमेशा आपके चैनल से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ, चैनल का लिंक। अगर आपसे कोई मांगता है कि आप अपने चैनल का लिंक मुझे दो, तो यहाँ पे आपको आपके चैनल का लिंक मिल जाता है चैनल URL करके, आप सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और ये आपका चैनल का लिंक है, आप कहीं भी इसको ऐड कर सकते हैं। लिंक्स एड लिंक, ठीक है। एड लिंक क्या है, यहाँ पे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब करके यहाँ पे आ रहा होता होगा कि फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम इस तरह से करके आ रहा होता होगा, वो क्या करते हैं वो लोग यहाँ पे एड लिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो भी आप नाम लिखेंगे ना, यहाँ मिसाल के तौर पर लिखता हूँ फेसबुक, और यहाँ पे ये वाला लिंक, मिसाल के तौर पर ये वाला लिंक मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, एंटर लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये लिंक मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे बस ये लिंक उसे इस तरह से आ गया। अब हालांकि ये फेसबुक का लिंक नहीं है, बट यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें ना तो यहाँ पे उस तरह से आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। पब्लिश पे मैंने क्लिक किया, ये लिंक आ गया। यहाँ पे मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा, अब आपको एक बहुत ही मजे की चीज़ यहाँ पे दिखाएंगी। अब यहाँ पे आप लोग देखें फेसबुक कुछ इस तरह से आ गया, फेसबुक जैसे ही क्लिक करूंगा वापस मेरा चैनल ही खुल जाएगा, ये देखें, क्योंकि मैंने अपने चैनल का लिंक डाला था तो ऑटोमेटिकली इसने मेरा चैनल ही खोल दिया। तो यहाँ पे इसने कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं की है कि यहाँ पे आप लोगों को मतलब ये समझ ना आने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल ये तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, और इसको भी मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। डिलीट रिमूव पे क्लिक करेंगे, ये चीज़ रिमूव हो गई। पब्लिश पे क्लिक किया, वापस से सारी चीज़ें जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो गई हैं, ठीक है, सॉरी बाय डिफॉल्ट नहीं, जो भी हमने सेट किया था वो पब्लिश हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब ठीक है, मैंने ये चीज़ें आपको समझा दी, बहुत ही सिंपल मेथड था, ठीक है। अब यहाँ पे अभी आपका लोगो नहीं नज़र आ रहा बिकॉज मैंने उस लोगों को यहाँ से हटा दिया था। जैसे ही आप लोगों को अपलोड करेंगे ब्रांडिंग पे जाके अपलोड पे क्लिक करके, चलिए मैं आप लोगों को एक सेकंड करके दिखा देता हूँ, मैं बाद में इसको रिमूव कर लूँगा। यहाँ पे डन पे क्लिक किया, और जैसे ही डन पे क्लिक किया पब्लिश पे क्लिक कर दिया, पब्लिश पे क्लिक किया और ये पब्लिश हो गया, ठीक है। यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, शायद ये अभी ना आए, लेकिन हाँ अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, क्योंकि YouTube की पॉलिसी है लोगो जब आप लगाते हैं तो शो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूर चैनल हीरो ब्रोस, और यहाँ पे कुछ इस तरह से अभी लोगो आया था, बट शायद बुखार हो गया इसको वापस चला गया, बट ये थोड़ी देर में आपके चैनल में वापस आ जाएगा, एक दो घंटा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद ये आपके चैनल में वापस आ जाता है, ठीक है, मतलब हमेशा के लिए फिर ये सेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी मैं यहाँ पे इसको नहीं लगाना चाह रहा, सिंपली कस्टमाइज चैनल पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं लोगों को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। रिमूव पे क्लिक किया, पब्लिश ओके हो गया। YouTube बोलेगा तुम क्या कर रहे हो यार, आधे घंटे से तुम अभी रिमूव कर रहे हो, कभी लगा रहे हो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। चलो भाई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। कमेंट्स, अगर आप अपने चैनल के कमेंट्स रीड करना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके चैनल के सारे कमेंट्स आ जाएंगे, आप यहाँ से उन सारे कमेंट्स को यहाँ पर रीड कर पाएंगे। कॉपीराइट ये होता है, अगर आप किसी और की वीडियो कॉपी करके अपने चैनल के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे कॉपीराइट के अंदर आपको सारी वो वीडियोस यहाँ पे शो हो जाएंगी, तो आपको सारा पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वीडियोस मैंने यहाँ पे कॉपीराइट किन किन वीडियोस में आया हुआ है, तो आप सारी उन वीडियोस को यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। कस्टमाइजेशन में क्या है, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ से बताई कि यहाँ पे कस्टमाइज चैनल में आप आके जो सेटिंग्स करते हैं यहाँ पे वही सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ब्रांडिंग बेसिक इन्फो, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ऑडियो लाइब्रेरी, यूट्यूब की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी है, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी फ्री कॉपीराइट म्यूजिक यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स का पूरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। सो दोस्तों, बहुत ही सिंपल से आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन इनेबल कर दीजिए, ताकि मेरी इस मतलब इस सीरीज के रिलेटेड और वीडियोस भी आपको मिल सके और मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलता रहे। सो दोस्तों, मिलता हूँ किसी को नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।